सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस। गाइस थोड़ा जो है मैं कहीं बाहर आया हुआ था, लेकिन जो है इतनी बड़ी वैकेंसी आई कि जो है आपके लिए ये वीडियो लाने से रोक नहीं पाया खुद को, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी, जहां पर 10,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है और जो है पूरे भारत के कैंडिडेट जो भी है नर्सिंग कर रखी है उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। ठीक है, चलिए। स्टेट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल हेल्थ मिशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट, 10,000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। जी हाँ, प्लीज़ व्यू वैकेंसी डिटेल www.upnrhm.government.in और www.sams.com.in। ठीक है, तो गाइज ऐसे ही पूरे भारत की नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से जुड़ी पूरे भारत की हर एक अपडेट मिलती रहेगी। करियर अपॉर्चुनिटी है, रिक्रूटमेंट फॉर मल्टीपल वैकेंसी अंडर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी में वैकेंसी कब आ रही है, कब आ रही है, एमपी में कब आ रही है, तो पूरे भारत की वैकेंसी। ठीक है, 10,000 से भी ज़्यादा पोस्ट रहने वाली। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैटरनल हेल्थ ANM MH की तरफ से वैकेंसी जो है, इसमें आपके जो है ANM की हुई होनी चाहिए और नर्सिंग किसी भी स्टेट नर्सिंग का काउंसिल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है 7200 पोस्ट है 7199। ठीक है, जहाँ पर अनरिजर्व 3580, OBC 1972, SC 1529, ST 118 और यहाँ पर 12128 सैलरी। ठीक है, अब बात करते हैं मैटरनल हेल्थ में स्टाफ नर्स की। ठीक है, स्टाफ नर्स डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और BSc नर्सिंग, यानी GNM और BSc नर्सिंग किसी भी राज्य से की हुई होनी चाहिए। 1128 प्योर को पोस्ट है, और भी स्टाफ नर्स के नीचे वैकेंसी है, तो वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें। ठीक है, और वहाँ पर 1128 टोटल वैकेंसी, जहाँ पर अनरिजर्व 547 है, OBC 318, SC 257 और जो है ST की बात करें 6, यहाँ पर 20,013 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, और जो है स्टाफ नर्स की वैकेंसी है जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो नीचे आ जाते हैं, आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स चाइल्ड हेल्थ जो है, चाइल्ड हेल्थ नर्स प्लस NBSU। ठीक है, स्टाफ नर्स की यहाँ पर SNCU की तरफ से वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन वही है GNM BSc नर्सिंग, यहाँ पर भी 177 पोस्ट, बड़ी वैकेंसी। ठीक है, अनरिजर्व 86, OBC 50 और 41 जो है SC की, टोटल इसमें सैलरी 18,150 रुपये बनेगी। फिर चाइल्ड हेल्थ SNCU की बात करें तो स्टाफ नर्स की यहाँ पर भी वैकेंसी है, जहाँ पर GNM BSc नर्सिंग, टोटल पोस्ट जो है 50 रहने वाली है। फिर जो है नीचे आ जाते हैं, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लेकिन अपन बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें, NCD में GNM की वो पोस्ट निकली है, वो भी 205 पोस्ट, बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, फिर जो है लैब टेक्नीशियन की है, उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD की जो है स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली है, जहाँ पर 240 पोस्ट रहने वाले, 18,000 सैलरी है। तो मुझे तो ये वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त लगी है, यूपी सरकार ने बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी निकली। फिर जो है अर्बन हेल्थ NUHM की तरफ से स्टाफ नर्स की 61 वैकेंसी निकाली गई है, फिर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, फिर लैब टेक्नीशियन की है, फिर 150 अर्बन हेल्थ NUHM की तरफ से ANM की वैकेंसी है, फिर नर्सिंग सेल में नर्सिंग मेंटोर की वैकेंसी है, और जो है फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्ट्रेंथन की बात करें तो उसके लिए भी स्टाफ नर्स की 18 पोस्ट है, 30,000 सैलरी आपके रहने वाली है। ठीक, फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ स्ट्रेंथन DHS HDU की तरफ से भी 153 पोस्ट निकली है स्टाफ नर्स की, जहां पर 20,000 सैलरी है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी मैंने तो आज तक नहीं देखी, बहुत बड़ी वैकेंसी है। फिर जो है एक बार फिर से DHS 8 बेडेड हॉस्पिटल में जो है स्टाफ नर्स की 70 पोस्ट निकली है। फिर नर्स इंचार्ज की बात करें तो 5 पोस्ट निकली है, जहाँ पर 32,000 सैलरी है। फिर मैटरनल हेल्थ SNMHCP की तरफ से स्टाफ नर्स की 786 पोस्ट है। गाइस क्या बड़ी वैकेंसी है, आवाज़ तो मज़ा आ गया। फिर जो है अब बात कर ले मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो आफ्टर स्क्रीनिंग जो है एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन द TOR सेल बी इन्वाइटेड फॉर द रिटर्न टेस्ट, जहाँ पर आपके 33% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 34 OBC एंड 24 फॉर SC ST। ठीक है, पूरी PDF आपको PJ लक्ष्य क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर PJ लक्ष्य क्लासेस 06 के नाम से व्हाट्सअप ग्रुप है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों जगह आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन मोड जो रहेगा वो एलिजिबल कैंडिडेट पोजीशन रिक्वेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन www.upnrhm.government.in। मैं आपको जो है ये PDF इसके साथ साथ लिंक वगैरह सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। लास्ट डेट जो रहेगी वो आपको ध्यान में रखनी है, 7 जनवरी 2022 रहेगी। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट ANM और स्टाफ नर्स की बात करें तो 27 जनवरी को आपका 2022 को ये जो है रिटर्न टेस्ट आपके होगा। तो गाइस कैसी लगी जानकारी, मुझे तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है, जो ऐसी मैंने लाइफ में जो ज़्यादा इतनी बड़ी वैकेंसी देखी नहीं है। यूपी सरकार का बहुत बहुत आभार, पूरे भारत के कैंडिडेट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो गाइज ऐसे ही पूरे भारत की नर्सिंग से रिलेटेड शानदार वैकेंसीज की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दीजिएगा चैनल को, क्योंकि चैनल पर आपको नर्सिंग से जुड़ी पूरे भारत की हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।